नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। पैलियोबॉटनी में आज का टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ फॉसिल स्टडी, जीवाश्मीय अध्ययन की तकनीकी विधाएं। जीवाश्म कैसे अध्ययन किया जाता है, क्या टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, उनके बारे में हम आज विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले छोटा सा परिचय। मुख्य रूप से 7 सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स यूज की जाती है जो की फॉसिल स्टडी में काम आती है। सबसे पहली है ग्राउंड थिन सेक्शन टेक्निक, दूसरी पील टेक्निक, तीसरी ट्रांसफर टेक्निक, चौथी मेसरेशन टेक्निक, पांचवी एक्सरे टेक्निक, छठी माइक्रोटोमी टेक्निक एंड सातवीं एक्सकेवेशन टेक्निक्स। इनके बारे में हम आगे विस्तार से एक एक टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्राउंड थिन सेक्शन टेक्निक, ये क्या होता है? ये जो टेक्निक है ये ज्यादा सबसे सुटेबल होता है पेट्रीफैक्शन फॉसिल्स जो बनते हैं उनके अध्ययन के लिए। इसमें क्या होता है, जो भी फॉसिल होता है उसको सेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है। वो कैसे करते हैं उसको देखते हैं। स्पेसिमेन इज कट इनटू स्मॉल साइज सेक्शंस। स्पेसिमेन जो भी होता है फॉसिल स्पेसिमेन, उसको सेक्शन में काटते हैं और उसके बाद उसको इट्स सरफेस आर स्मूथ विथ 400 कार्बोरंडम। कार्बोरंडम क्या होता है? कार्बोरंडम इज सिलिकॉन कार्बाइड एंड 400 इज इसका जो होता है जीएमएस में मेजर करते हैं। इसे मेश साइज कितने बड़े आकार के सैंड पेपर के जैसा होता है, जिससे कि इट इज अ शार्पनिंग स्टोन। कार्बोरंडम इज शार्पनिंग स्टोन और इसका जो कॉम्पोजिशन है वो सिलिकॉन कार्बाइड होता है। वो स्मूथ करने के, सरफेस को स्मूथ करने के काम आता है। उसके बाद जो आपने सेक्शन काटी थी उसकी जो स्मूथ सरफेस होता है उसको ग्लास स्लाइड के ऊपर माउंट किया जाता है। जो स्पेसिमेन का सेक्शन आपने बनाया इज माउंटेड ऑन अ ग्लास स्लाइड। उसके बाद उसको गर्म करते हैं एंड इज कोटेड विथ मेल्टन रेजिन। पिघले हुए रेजिन से इसको कवर कर देते हैं, कोट कर देते हैं। जो रेजिन होता है वो ठंडे होने के बाद बहुत हार्ड हो जाते हैं। यहाँ आप आगे की प्रोसेस नेक्स्ट आगे बताऊंगी मैं। इसको आप चित्र में देखकर समझ सकते हैं। दिस इज सैंपल ब्लॉक, जो स्पेसिमेन था आपका फॉसिल स्पेसिमेन, एंड दिस इज ग्लास स्लाइड। उसके बाद सेक्शन को काटते हैं, उसके बाद उसको कार्बोरंडम 400 से उसको बहुत ही फाइन करते हैं, स्मूथ करते हैं, ग्लास स्लाइड पर रखते हैं और उसके बाद उसको रेजिन से कवर कर देते हैं मेल्टन रेजिन से। वो हार्ड हो जाता है ठंडा होने के बाद। उसके आगे की जो प्रक्रिया है वो इस तरह से, जो फास्ट एंड फास्ट एंड होता है कि स्लाइड पे जो वो फिक्स हो जाता है, तो इस फिक्सेशन को कहते हैं फास्ट एंड। जो फास्ट एंड स्पेसिमेन है उसके बाद उसको दोबारा बहुत ही फाइन स्लाइस में काटते हैं और उसके बाद उसको कार्बोरंडम 100 से उसको और उसका जो सरफेस होता है उसको चिकना करते हैं, स्मूथ करते हैं, घुमाने की मशीन की तरह ये कार्य करता है। एंड दिस विल मेक द सेक्शन सो थिन एंड स्मूथ दैट इट अपीयर्स ट्रांसपेरेंटली। उसको घिसने की वजह से, कार्बोरंडम 100 से घिसने की वजह से जो सेक्शंस है वो बहुत ही थिन स्मूथ हो जाता है, इतना बारीक हो जाता है जैसे कि ट्रांसपेरेंट दिखने लगता है। उसके बाद उसको लिक्विड रेजिन में माउंट कर लिया जाता है और स्लाइड पे बेयर होने के बाद इट इज स्टडीड अंडर माइक्रोस्कोप। एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इस टेक्निक का ये है कि लॉट ऑफ मटीरियल इज वेस्टेड इन ऑब्टेनिंग थिन सेक्शन। एक थिन सेक्शन पाने के लिए जो फॉसिल मटीरियल था उसका बहुत सारा पार्ट बेकार हो जाता है। दूसरी जो टेक्निक है फिल्म ऑफ पील टेक्निक, This is also is most suitable for petrifaction fossils. उसमें जो first process है that involves etching of the fossil with the help of some mineral acids. वो acids कौन-कौन से हैं? Hydrochloric acid and hydrofluoric acid. ये दो chemicals काम में ले जाते हैं जो etching के purpose में से use होते हैं। उसके बाद after etching the specimen surface is washed with water, dried and covered with nitrocellulose. उसको पानी से अच्छे से धोते हैं जिससे acids सारे निकल जाएं, उसको सुखाते हैं, उसको nitrocellulose से कवर कर दिया जाता है। और इचिंग का प्रोसेस ये होता है कि जो रॉक मटेरियल है, रॉक मैट्रिक्स है, उसको वहां से हटा देना जिससे कि फॉसिल पार्ट ज्यादा ज्यादा वहां पर इकट्ठा रहे। आफ्टर ड्राइंग, जो हवा में सुखाने के बाद 6 घंटे इसको सुखाते हैं एंड द फिल्म इज केयरफुली पील। उसके बाद आप चित्र में देख सकते हैं जो फिल्म बन जाती है नाइट्रोसेलुलोज की, उसको बहुत बारीकी से निकाल देते हैं एंड माउंटेड ऑन अ स्लाइड बाय कनाडा बालसम। कनाडा बालसम से इसको माउंट करके कवर कर दिया जाता है। उसके बाद बाइनोक्युलर माइक्रोस्कोप से इसका अध्ययन करते हैं। ये आप देख सकते हैं, दिस इज फॉसिल, दिस इज रॉक। इसमें यहाँ पर माउंटेड है ये फॉसिल पार्ट है। उसके बाद नाइट्रोसेलुलोज की सरफेस, उसको पील कर लेते हैं ठंडा करने के बाद और उस पील में ये जो फॉसिल मटेरियल है वो आ जाता है और इसको सेक्शन काट कर माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के अलावा दूसरे भी बहुत सारे मिक्सचर्स यूज होते हैं जो कि इचिंग के पर्पज से काम आते हैं। उसमें से जो एक मुख्य है मिक्सचर है ब्यूटाइल एसिडेट
नाइट्रोसेलुलोज, टूटॉल एंड एमाइल एल्कोहल एंड डिहाइड्रेटेड कैस्टर ऑयल, इनका जो मिक्सचर होता है वो भी इचिंग सॉल्यूशन की तरह काम लिया जाता है। लेकिन इचिंग उस पर्पज के पहले, इचिंग की तरह काम लेने से पहले इस मिक्सचर को 2 हफ्ते तक इसकी एजिंग की जाती है, उसको दिया जाता है जिससे कि वो इसकी एजिंग हो जाए। फिल्म टेक्निक को ज़्यादा एडवांटेज माना जाता है ग्राउंड सेक्शन टेक्निक के द्वारा, क्योंकि ये बहुत ही कम एक्सपेंसिव है। ग्राउंड टेक्निक इज मोर एक्सपेंसिव एंड थोड़ा फास्ट है ये। एंड जो पील ऑप्टेन किया जाता है वो थिनर होता है, ड्यूरेबल होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होता। थर्ड टेक्निक इज ट्रांसफर टेक्निक। ट्रांसफर टेक्निक जो है इट इज सुटेबल फॉर कंप्रेशन फसल। जो कंप्रेशन फसल होते हैं उनमें, उनके अध्ययन के लिए काम आती है। कंप्रेशन मीन्स होता है रॉक के बीच में वो दो प्रेस हो जाते हैं, कंप्रेशन फसल बनाते हैं, उनके अध्ययन के काम आता है। इसमें होता है क्या है, जो डेलिकेट फसल मटेरियल्स हैं एंड स्ट्रक्चरल फीचर जो होते हैं उसके सरफेस के, वो जैसे कि वेनेशन पैटर्न, लीफ के वेनेशन पैटर्न होते हैं या फिर क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको आसानी से अध्ययन किया जा सकता है इस टेक्निक के द्वारा। और ये करते कैसे हैं, फेस ऑफ द स्पेसिमेन जो कि रॉक सरफेस पे लगी हुई जो स्पेसिमेन होती है उसको 2 कोट्स ऑफ पील सॉल्यूशन से ढक दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। और जब ये ड्राइड हो जाते हैं, जब फिल्म जो जिससे आपने इसको ढका था, 2 कोट्स ऑफ पील सॉल्यूशन, इसको जब ढक दिया जाता है द फिल्म इज ड्राइड एंड पोर्शन ऑफ द रॉक जिस हिस्से में वो फसल मटीरियल लगा हुआ है उसको रिमूव कर लेते हैं। तो फसल के साथ वो रॉक के साथ वो जो फसल मटीरियल है वो भी साथ में आ जाता है। उसके बाद स्पेसिमेन को इमर्ज इन 25% हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये एक तरह का ईचिंग सोल्यूशन है, उसमें डिजोल्व कर देते हैं जिससे कि रॉक मटेरियल जो है, रॉक मटेरियल से वो डिजोल्व होकर हट जाता है वहां से। एंड फाइनली द स्पेसिमेन इज वॉश्ड, स्पेसिमेन हमें प्राप्त होता है, उसको डिहाइड्रेट कर लेते हैं एंड माउंट कर लेते हैं। एंड दिस इज द टेक्निक, दिस इज द फर्स्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच तक, लास्ट में आपको स्पेसिमेन प्राप्त हो जाता है। फोर्थ इज मैसरेशन टेक्निक। मैसरेशन टेक्निक कैसे करते हैं, इट इज सुटेबल फॉर पीट लिग्नाइट एंड कोल। पीट लिग्नाइट एंड कोल में जो फॉसिल पड़े रहते हैं उनके अध्ययन में काम आता है ये, मुख्य रूप से पॉलेंस एंड स्पोर एनालिसिस, जो स्पोर्स एंड पॉलेंस होते हैं उनके एनालिसिस में काम आता है। इसमें क्या करते हैं, जो फॉसिल मटीरियल है उसको इमर्ज करते हैं, मिक्सचर ऑफ 5% KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के सोल्यूशन में 1 हफ्ते के लिए उसको डुबा के रख देते हैं, इमर्ज कर देते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक मटेरियल, जो रॉक मटेरियल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो वहां से हट जाता है। एंड द प्लांट फ्रैगमेंट्स आर देन वॉश्ड प्रॉपरली विद वाटर। रॉक मटेरियल हटने के बाद जो फॉसिल मटेरियल मिलता है प्लांट का, उसको वॉश कर लेते हैं पानी के साथ, और उसके बाद उसको एनएओएच सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में उसको इनक्यूबेट किया जाता है कुछ समय के लिए। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज यूज फॉर क्लीनिंग एंड क्लीनिंग दैट इज ईचिंग। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ जब ईचिंग करते हैं, क्लीनिंग कर देते हैं, उसके बाद जो प्लांट मटेरियल बचता है वो फॉसिल मटेरियल कलेक्ट कर लिया जाता है। दीज फ्रैगमेंट्स आर माउंटेड ऑन स्लाइड्स, और उसको स्लाइड पर माउंट करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोटॉमी टेक्निक। माइक्रोटॉमी का मतलब होता है सेक्शन बनाना, माइक्रो मीन्स बहुत ही फाइन सेक्शन बनाया जाता है। दिस टेक्निक इज यूजफुल फॉर फॉसिल वुड्स, जो कास्ट होते हैं, लकड़ी होती है फॉसिल, उसके अध्ययन के काम आता है। विच रिटेन मच ऑफ द सेल वॉल स्ट्रक्चर, जो सेल वॉल स्ट्रक्चर या सेल स्ट्रक्चर कैसा था उसका अध्ययन हम वुड के सेक्शन के द्वारा ही कर सकते हैं। इसको टेक्निक यूज कैसे करते हैं, स्पेसिमेन इज फर्स्ट सॉफ्ट एंड, स्पेसिमेन को पहले सॉफ्ट किया जाता है। कैसे करते हैं, बाय ट्रीटिंग इट विद हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड पोटेशियम क्लोराइड के सोल्यूशन में इसको डुबा के रख दिया जाता है, और उसके बाद दोबारा इसको मिक्सचर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ फिनॉल एंड 95% अल्कोहल, फिनॉल और 95% अल्कोहल का मिक्सचर बनाते हैं, दोबारा उसमें डुबा दिया जाता है। पहले डुबाते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड पोटेशियम क्लोराइड में, फिर उसको मिक्सचर ऑफ फिनॉल और अल्कोहल के मिक्सचर में डुबाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जिस जो प्लांट मटीरियल था, जो वुड कास्ट मटीरियल है, उसको इमिडिएट इन पैराफिन, पैराफिन या फिर सेलोडिन में इसको डुबा कर रखते हैं, इमिट कर दिया जाता है, इमिट करने वाला है उसमें दबा देते हैं, उसके चारों तरफ लपेट देते हैं, इसी वो हर जगह भर जाए, खाली स्थान पर वो पैराफिन और सेलोडिन भर जाता है। और उसके बाद इस माइक्रोटोम मशीन के द्वारा, जो आप चित्र में देख सकते हैं, ये ओल्ड पुराना पुराने जमाने का रोटरी माइक्रोटोम है, इसको यहाँ से ये हत्था लगा हुआ है, इसके हाथ से घुमाते थे और सेक्शन बारीक गोल गोल घुमाते थे और बारीक सेक्शन प्राप्त होता था। ये है मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न मशीन, माइक्रोटोम कहते हैं इसको।
द सेक्शन मटेरियल आर स्टेन एंड स्टडी, बहुत ही फाइन सेक्शन जब प्राप्त हो जाता है तो उसको सेक्शन को स्टेन कर लेते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज एक्सरे टेक्निक। कुछ फॉसिल्स ऐसे होते हैं जो कि एसिड ट्रीटमेंट के द्वारा या फिर जो पीलिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा है उसको ठीक से प्रिजर्व नहीं होते, वो टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और ऐसे मटेरियल के अध्ययन के लिए एक्सरे रेडियोग्राफी यूज की जाती है। और इसको अध्ययन किसके लिए करते हैं, टेक्निक इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ कैल्सिफाइड सीड्स। कैल्सिफाइड सीड जो कि कोल बॉल से मिलते हैं, कोल रॉक्स के मिलते, जो कोल मटेरियल होता है उसमें डिपॉजिटेड जो कैल्सिफाइड सीड्स होते हैं उनके अध्ययन के लिए प्राप्त किया जाता है। ज्यादातर आपके उसके जो एक्सरे टेक्निक आपने देखी होगी, इट इज बेस्ड ऑन जब एक्सरे हम डालते हैं तो जहां पर मटेरियल डेंस होता है उसकी शेडो जो होती है वो डार्क आती है, और जहां मटेरियल बहुत लाइट होता है, घनत्व कम होता है, वहां का जो शेडो होता है बहुत लाइट कलर का आता है, बहुत ही हल्का आता है, ट्रांसपेरेंट दिखता है। तो यही टेक्निक इस टेक्निक में भी काम आती है, यही जो फंडामेंटल है यही इस टेक्निक में काम आती है। इसमें जो स्पेसिमेन है उसको फोटोग्राफी की जाती है एक्सरे के द्वारा, और जिसमें बेसिस ऑन द डेंसिटी, उसकी डेंसिटी कहाँ पे हल्की है कहाँ पर ज्यादा है, उसी के करस्पॉन्डिंग उसका शेडो प्राप्त होता है। और जो शेडो मिलता है उसको हम लेते हैं हाई सेंसिटिव सेलुलॉइड फिल्म पर, उसको शेडो को प्राप्त किया जाता है, हाईली सेंसिटिव सेलुलॉइड फिल्म पर उस शेडो को प्राप्त करते हैं, और इस तरह से एक्सरे फोटोग्राफ उस फॉसिल मटेरियल का प्राप्त हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं देजा ओकेरिया स्पीशीज का है, अलग अलग ऑर्गेनिक स्पीशीज के अलग अलग शेडो प्राप्त होते हैं। दिस इज द फॉसिल मटेरियल और ये उसका एक्सरे रेडियोग्राफ। लास्ट टेक्निक इज एक्सकेवेशन टेक्निक। एक्सकेवेशन आपको समझते होंगे, हिंदी में इसको खुदाई कहते हैं, सीधे खुदाई करके बात कर लेना। दिस टेक्निक इज पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर द स्टडी ऑफ माइन्यूट लीव्स एंड स्पोंजियोफोर्स, जो कि इस तरह से प्रिजर्व हो जाते हैं, सबूत प्रिजर्व हो जाते हैं, उनके लिए स्टडी की जाती है, उनके लिए ये टेक्निक काम ली जाती है। द स्पेसिमेन इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो वाइब्रेटरी मशीन्स, वाइब्रेटर्स के जैसे मशीन होते हैं, माइक्रो वाइब्रेटर बहुत ही बारीक जो उसके वाइब्रेटरी वेव्स होते हैं वो चलते हैं, एंड स्मॉल हैमर एंड स्टील नीडल्स, बहुत सारे इसके टूल्स होते हैं जो कि एक्सकेवेशन में काम ले जाते हैं, उनके द्वारा इनको खुदाई करके निकाला जाता है। दिस प्रोसेस दो स्लो एंड टीडियस, बहुत ही धीमी है, बहुत ही मेहनत वाली है, बहुत सारा लेबर फोर्स लगता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट मिलता है दैट इज प्रॉमिसिंग, वो हमें सबूत मिलता है रिजल्ट। दिस इज ऑल अबाउट टेक्निक्स ऑफ फॉसिल स्टडी। धन्यवाद। इस सीरीज में हम आगे राइनिया जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, राइनिया के सामान्य गुणों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।